चलिए हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वॉइस चलिए आज हम लोग जानेंगे एक वॉइस का कंसेप्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वॉइस? ये पूरे होल लाइफ और स्कूल लाइफ, पूरी स्कूल लाइफ हम लोग पढ़ते हैं, और जब हम लोग टीचर आते हैं तो टेल्स और वॉइस ही बताते हैं, लेकिन फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूं, और उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से मैं आपका कंसेप्ट को और मैं क्लियर कर दूंगा। तो वॉइस जानने से पहले आपका एक बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए, एक टेंस की कंसेप्ट होनी चाहिए। अगर आप टेंस की कंसेप्ट आप जान रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वॉइस का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा ही होगा। तो टेंस हम समझते हैं कि टेंस का स्ट्रक्चर आपको पूरा क्लियर होगा। अगर टेंस का स्ट्रक्चर नहीं क्लियर है तो एक एक जैसे प्रेजेंट डिटरमिनेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक एक स्ट्रक्चर आप रख लीजिए और एक एक स्ट्रक्चर रख लीजिएगा। इसी तरह से चार इसका, चार पास्ट का और चार फ्यूचर का, तो हम समझते हैं कि पूरा टेंस आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे टेंस की, थोड़ी सी टेंस की चर्चा कर दे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। जैसे आई रीड, आई एम रीडिंग, आई हैव रेड, आई हैव बीन रीडिंग, ये पूरा मैंने प्रेजेंट का बोला। और उसी तरह से पास्ट को अगर हम बोलते हैं तो बोल देते हैं आई रेड, आई वॉज रीडिंग, आई हैड रेड, आई हैव बीन रीडिंग। चलिए अब उसी तरह से बात करते हैं फ्यूचर को, आई विल रेड, आई विल बी रीडिंग, I will have it, I will have it, I will have been reading। ये 12 कंसेप्ट हुआ, और 12 को अगर हम जोड़ देंगे, तीन तीन और जोड़ दीजिएगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, मैंने बच्चों के 48 सेंटेंस आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, तो वह समझना बहुत ही आसान है। आप समझिए वह समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट आप जानते हैं फिर भी आपको वॉइस समझ में नहीं आता है, तो सर कहेंगे समझ में नहीं आता है तो कौन सा पहले चीज होगा जिसको स्ट्रॉन्ग करें तो वॉइस समझ में जाएगा। तो आपको समझने के लिए टेंस कम से कम जरूरी है, बेसिक नॉलेज ऑफ टेंस का ज्ञान रहेगा तभी आप वॉइस समझ सकते हैं। टेंस का ज्ञान नहीं है तो वॉइस नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाइएगा। अब बात रहा कि कौन सा वाक्य जो होगा उसी का वॉइस समझ लेंगे, ये बात हम, ये जो बात है आगे हम करेंगे। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं वॉइस का डेफिनेशन, उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ वॉइस आएंगे, ठीक है। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ, इज द फॉर्म ऑफ चलिए ये देख लेते हैं। तो ये था वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच शोज वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स, जहां की सब्जेक्ट जो होती है ये कार्य करती है, मैंने सब्जेक्ट उसका प्रभाव डालता है किसी कार्य को, और वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, और जहां कर्ता को प्रभाव डाला जाता है, इट मीन्स यह इज एक्टेड अपॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, इटमीन्स हो जाएगा ये पैसिव वॉइस, और यह जो होगा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। जिस तरह से एग्जांपल में हम देखेंगे, जिस तरह से एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि टॉम स्पीक्स इंग्लिश, टॉम स्पीक्स इंग्लिश, ये टॉम जो है एक सब्जेक्ट है, और टॉम जो है से कौन सा कार्य कर रहा है, टॉम अंग्रेजी बोलने का कर रहा है, कौन सा एक्ट कर रहा है, तो अंग्रेजी कर रहा है, मैंने यहां पर जो सब्जेक्ट काम कर रही है वो इंग्लिश बोलने का काम कर रहा है,
तो अब यहां पर इसका जो है ये टर्म जो है सब्जेक्ट है और इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है और यह जो है सिस्टर क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है, समझ गए। अब इसको अगर हम पैसिव में डालेंगे, छोड़ दीजिए इसी कंसेप्ट, अगर हम करेंगे इसको पैसिव में करेंगे तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय राम, सॉरी टॉम, इंग्लिश इज स्पोकन बाय टॉम, तो यहां टॉम जो हो गया ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया और ये टर्म जो यहाँ पर क्या हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें जो हो रही है वर्ब यहाँ पर क्या कर रहा है सब्जेक्ट एक्स, सब्जेक्ट जो है क्या कर रही है द सब्जेक्ट एक्स और यहां पर क्या हो रहा है द सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन, समझ गए। और इस तरह से अगर इसकी बात किया जाए तो यह जो आपका हो गया एक्टिव पास हो गया और यह क्या हो गया आपका पैसिव पास हो गया, समझ गए। लेकिन आगे क्या है इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम कानून है, तभी हम वॉइस को बदल सकते हैं। तो ये वॉइस को बदलने के नियम कानून क्या है आपको हम आगे दिखा रहे हैं। चलिए इसमें देख रहे हैं क्या, चलिए यहां पर अब हमने दो ग्रुप में कर दिया, हमने लिखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और इस थोड़े से कंसेप्ट हमने दे दिया कि व्हाट द सब्जेक्ट डज, जो करता करता है, और इसमें पैसिव में डाल दिया कि द फोकस इज ऑन द एक्शन, किसी कार्य पर वो फोकस होती है। जैसे यहां पे एग्जांपल में ये भी देख लीजिए, सी एड्स माइंड को, यहां जो सब्जेक्ट क्या कर रही है कौन सा कार्य कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट डज कौन सा कार्य कर रहा है, तो आम खाने का काम कर रहा है, ये इसका वर्क हो गया, मतलब ये वर्क मतलब ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट भी कौन हो गया यह हो गया, और इसका ए मैंगो इज एटेड बाय हर। अब यहां द फोकस इज ऑन द एक्शन, तो ये एक्शन क्या हो गया, यही हो गया इसका एक्शन, इसको एक्शन कहिए या इसको कार्य कहिए, ये हो गया आपका पैसिव का कंसेप्ट, क्लियर है ना। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको क्या करना होगा समझना होगा, सारे रूल्स को तथ्य पर रख दीजिए, कोई रूल की नहीं है, बस केवल मैं आपको वर्बली बात करूंगा और निश्चित रूप से आपको निश्चित है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। तो पहले है इसको क्या करना है कि रूल्स है कि हाउ टू चेंज, मतलब हाउ टू चेंज, कैसे बदलना है एक्टिव वॉइस टू पैसिव, ठीक है। चलिए चलिए हेडिंग वन में क्या करना है, चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस को कैसे बदलना है। चलिए मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूं, सबसे इजिएस्ट वे, एकदम इजिएस्ट स्टेप है, क्या है कि एक्टिव वॉइस अभी होगा एक्टिव वॉइस तो सब्जेक्ट रहेगा, एक आपका वर्ब रहेगा, जो वर्ब रहेगा वो ट्रांजिटिव होगा,
तो फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको सब्जेक्ट कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको बदलने के लिए जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट कितना है, और यह जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, और जहां सब्जेक्ट है, सॉरी, जहां सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट, और जहां ऑब्जेक्ट है वहां हम सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यह सब्जेक्ट तो कर देंगे, लेकिन यह जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट यहां तो यहां तरफ दिए, मैंने इसके जगह पर हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर दिए और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का स्थान ले दिए। लेकिन यह जो फॉर्म होगा, यह जो फॉर्म चलेगा, यह ऑब्जेक्ट है यहां पर, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम किस फॉर्म में मेंशन करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, लेकिन क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। यह क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ एन एक्टिव ऑब्जेक्ट, पूरी तरह से ध्यान होता हूं, एक्टिव ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। यस, चलिए हला लीजिए इसको, क्लियर। अब यह जो शब्द मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहेगा, तो इसको भी ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ला लीजिए साहब को ऐसे ला लीजिए इनको, और यहां लिख दीजिए यह जो होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, ऑब्जेक्टिव केस कहिए, फॉर्म कहिए, केस ऑफ एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, क्लियर। ध्यान से इस कंसेप्ट के सुनेंगे, देखिए मैंने बार बार में बोल रहा हूं कि जहां सब्जेक्ट रहेगा वहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जहां ऑब्जेक्ट रहेगा वहां सब्जेक्ट करेंगे। अब बीच वाला जो वर्ब है, ये जो वर्ब बचा एक्टिव वर्ब है, तो इस एक्टिव वर्ब को, ये जो बीच में जो वर्ब बच गया, थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, एक्टिव वर्ब जो है उसको पैसिव में बदल देंगे, पैसिव फॉर्म कर देंगे, और वर्ब का भीतरी फॉर्म एकदम पैसिव में एकदम कंपल्सरी है। एक्टिव वर्ब जो होगा, एक्टिव वर्ब का फॉर्म जो होगा उसको पैसिव में कर देंगे, एकदम। ये मेरी कंफर्मेशन है कि आपको निश्चित रूप से यह वाक्य समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल में हम लेते हैं, राम किल्ड रावण, आपको रटने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह राम किल्ड रावण, राम इसका सब्जेक्ट हो गया, किल्ड इसका ट्रांजिटिव वर्ब है ना, जो वी2 फॉर्म में है, और रावण इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या बोला है कि जहां सब्जेक्ट देखना है वहां ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, इसके सामने ही रख देंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो गया, रावण हो गया। अब उसको क्या बोला है, उसके बाद यह जो सब्जेक्ट साहब है वो लास्ट में चला जाएगा है ना, तो ये किल्ड इसका वी2 फॉर्म में, जानिए कि किल्ड को वी2 फॉर्म में करने के लिए वाज वेयर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाज वेयर। तो राम का आंसर क्या देगा, वाज, और किल्ड का भीतरी क्या हो जाएगा, किल्ड, किल्ड का भीतरी किल्ड हो जाएगा। और लास्ट में बोला है कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए, तो बाय राम हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल आपके लिए रोग नहीं होगा। आप बोलेंगे सर ये हमको पता नहीं चला कि ये सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, पता तो बिल्कुल नहीं चला आपको, तो नहीं पता चला। लेकिन इसी सेंटेंस में ऐसे रहता कि आई किल्ड हिम, चलिए आपको तो जरूर आपको पता चलेगा, इसी सेंटेंस में ऐसे रहता, ऐसे जोड़ते ऊपर ही करते से आई किल्ड हिम रहता। अब ये जो होता, ये हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में, इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये वाज लग जाएगा, किल्ड हो जाएगा, और वाई मी हो जाएगा, ये आपका पैसिव बन सकते यार, समझ गए, ये आपका पैसिव क्लियर, ये इसका पैसिव यह हो गया, और इसका पैसिव यह हो गया, समझ गए। बहुत ही आसान तरीका है,
ऐसा नहीं है कि बाई नहीं लिखेंगे तो पैसिव सेंटेंस नहीं है। ऐसा कहना गलत है कि बाई ही पैसिव में न्यूआंस है। ये आज बात को जहन से उगा दीजिए कि बाई नहीं रहेगा तो पैसिव सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस है। अगर इसमें कहा जाए तो बाई नहीं है तो वह सेंटेंस पैसिव नहीं होगा, एकदम होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं सेंटेंस, चलिए अब यहां बात रहा कि क्या सर बाई लगाना ही पैसिव में कंपलसरी है? नहीं। आज बात जान लीजिए कि बाई लगाना ही पैसिव में कंपलसरी नहीं है। यदि आप डूअर को, यदि आप सब्जेक्ट को, यदि आप कर्ता को, काम करने वाला को छुपाना चाहते हैं, पता नहीं चले, रहस्य डालना चाहते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और किसी को पता नहीं है कि कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो अब यहां पर अगर बात नहीं, अगर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो हमने लिख दिया इंग्लिश इज बीइंग टॉग्ड, बीइंग टॉग्ड, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है अंग्रेजी कौन पढ़ा रहे हैं। इस रहस्य को जानने के लिए, इस रहस्य को छुपाने के लिए बाई हटा दिए, लेकिन यहां पर आता इंग्लिश इज बीइंग टॉग्ड बाई सर्वेश, ये आप बिल्कुल आप जान जाते हैं अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, क्लियर हो जाता कंसेप्ट आपके मन में। लेकिन यहां पर रहस्य को छुपाया गया कि इंग्लिश इज बीइंग टॉग्ड। आप पूछेंगे सर कि हु इज टीचिंग इंग्लिश, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ा रहे हैं, जब बाई होम इज इंग्लिश, बाई होम इज इंग्लिश बीइंग टॉग्ड, अंग्रेजी किन किन पढ़ाई जा रही है। अब इसको सब्जेक्ट को पता लगाना है तो बोलेंगे कि बाई होम is English being taught। अब आपको पूछना है, किसी से पूछना होगा तो उसका आंसर मिलेगा कि सर्वेश सब पढ़ा रहे हैं। तो बाई कहीं जरूरी नहीं है कि बाई सभी जगह रह के करेगा, नहीं रह भी बाई रहेगा तो वो पैसिव सेंटेंस है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं वो काज आपको पता चलना चाहिए। जैसे आई एम रिस्पेक्टेड, ऑलरेडी क्लियर है सेंटेंस कि आई एम रिस्पेक्टेड, ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है। इस तरह से रावण वाज किल्ड, रावण को मारा गया था, ये सब कुछ जानता है कि रावण को मारा गया था तो किनके द्वारा, राम के द्वारा। क्या इसमें लिखना जरूरी है? नहीं है। अब यहां पर आएगा कि सीता वाज किडनैप्ड, किडनैप्ड, ये सब कुछ जानते हैं कि सीता को किसने हर किया था, क्या इसमें लिखना जरूरी था? भाई राम, सॉरी भाई रावण, क्या रावण लिखना जरूरी है? नहीं है। जिस समय हम जानते हैं कि सब्जेक्ट का एटलीस्ट डूअर को हम जान जाते हैं, कि सबको इस बात को जानते हैं, इस तथ्य को क्लियर हो जाता है, जनरल तर्क हो जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते।